जेपीएससी हो या जेएसएससी मुद्दा हो, मैंने अपना मॉरली मैंने समर्थन किया है आंदोलनकारियों को। आंदोलनकारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स थे जो मजबूर हो गए थे आंदोलन करने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। मेरे साथ अमित मंडल हैं, युवा हैं, और भाषा विवाद को लेकर इन दिनों झारखंड में समझिए तो आग लगी हुई, क्या कहेंगे? देखिए, ये आग सरकार ने लगाया है, ये आग जानबूझकर सरकार ने इसलिए लगाया है क्योंकि गोड्डा जिला से कुरमाली भाषा को ही हटा दिया, जबकि 40,000 लोग वहाँ कुरमाली भाषा भाषी हैं। किस आंकड़े के आधार पर, किस तथ्य के आधार पर सरकार ने यह निर्णय लिया? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार नहीं चाहती है कि महतो समाज के लोग जिला स्तरीय नौकरियों में अपनी हिस्सेदारी दें। सरकार ये नहीं चाहती है कि वहाँ के लोग, बच्चे बच्चियाँ आगे बढ़े, इसलिए सरकार ने जानबूझकर भाषा विवाद किया है, जो काफ़ी दुखद है। इसी को लेकर आज हम लोगों ने प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार से सवाल पूछा था, और सरकार को घुटनों में लाकर हम लोगों ने ये मनवाया कि गलती हुई है और जल्द से जल्द इसका निराकरण। आप तो विदेश में पढ़ाई किए हैं, खासतौर पर अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ बहुत भाषा वाले लोग हैं, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली, और मान ली 12 भाषा की बात तो जरूर सरकार कर रही है, 4 भाषा को जो निकाला जा रहा है, इस पर आपकी क्या? देखिए, यहाँ तो सरकार क्षेत्रीय भाषा को ही निकाल दे रही है। कुरमाली तो क्षेत्रीय भाषा है, इसके बारे में धनगाद और बोकारो में आंदोलन कर रहे लोगों ने क्यों नहीं कहा कि गोड्डा जिला से क्षेत्रीय भाषा कुरमाली, जो कि राज्य स्तरीय भाषाओं में कुरमाली शुमार है, जिला स्तरीय में आपने कुरमाली को गोड्डा से हटा दिया, जबकि 40,000 लोग कुरमाली बोलते, तो ये कहीं ना कहीं खेदजनक है। और सरकार को नीति निर्धारण के लिए सही तथ्यों पे, सही आधार, आंकड़ों के आधार पे ही काम करना चाहिए। मुझे लगता है सरकार आनंद फानंद में कोई फैसला लेती है, जो ऑन द मूव सरकार गिरेगी, मैं आपको यह आश्वस्त करता हूँ। जेपीएससी की बात हो या सहायक पुलिसकर्मी जेसीएससी की बात हो, युवा सड़कों पर है, आप युवा हैं, जिस तरह से भाजपा को सड़कों पे आना चाहिए युवाओं के साथ, क्या लगता है कि विपक्ष की भूमिका सही तरह से आप लोग ने? शुरुआती दिन से सड़क पे हूँ, जेपीएससी हो या जेएसएससी मुद्दा हो, मैंने अपना मॉरली मैंने समर्थन किया है आंदोलनकारियों को। आंदोलनकारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स थे जो मजबूर हो गए थे आंदोलन करने में। और शुरुआती दिनों से आपको पता होगा कि चीज़ों को हम लोगों ने अध्ययन किया, उसको हम लोगों ने सभा पटल पर रखा, हम लोगों ने उसको सरकार को झुकाने का काम किया, और इसी का ये नतीजा है कि आज संशोधित रिजल्ट आया, सरकार ने माना है गलती हुई है। तो कहीं ना कहीं हम लोग युवाओं के हित में, युवाओं के जो समस्या है उसको लेकर जागरूक हैं, लेकिन ये सरकार हठधर्मिता दिखा रही है और सरकार को झुकाने का काम भी विपक्ष करेगी। जिस तरह से नवाज की बात हुई, यहाँ कमरे की बात हुई, सड़कों पर आए थे आप लोग, युवाओं के लिए कब आप लोग सड़कों पे आए? मैं तो युवाओं के लिए सड़क पे हुई और रहूंगा ही। नवाज कक्ष हो या कोई अन्य मुद्दा हो, ठीक है, वो पैरेलली चल रहा है, वो पार्टी फोरम से हम लोग बातों को भी रख रहे हैं, लेकिन इस प्रदेश का सबसे अहम आज की डेट में मुद्दा ये है कि युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी मिले, युवाओं को उनका अधिकार मिले, जेएसएससी जेपीएससी ठीक से संचालित हो, और इसको लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार सरकार को दबाव बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। अमित मंडल, इनका साफ कहना था कि जिस तरह से सरकार भाषा विवाद को लेकर चल रही है, वो इसका विरोध करते हैं, और कुरमाली भाषा को खासतौर पर गोड्डा में जोड़ने की बात की। सहयोगी हृदय के साथ प्रतीक सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची।